पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर को मिलाकर एक मीटर बनता है। तो मीटर हमारी बड़ी इकाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पेंसिल को मापेंगे मीटर सेंटीमीटर में? पेंसिल तो बहुत छोटी होती है ना, स्केल से माप सकते हैं, तो सेंटीमीटर में मापेंगे पेंसिल को। ये आपका स्केल है छोटा, ये कितने सेंटीमीटर का बच्चों? ये 15 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? ये 15 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? ये 15 सेंटीमीटर का। देखो ये, और ये जो मेरे हाथ में, देखो आओ मीटर की रस्सी बनाए, देखो एक रस्सी है, और ये मेरे हाथ में क्या है, ये एक मीटर का, एक मीटर की है, 100 गोल पट्टी है। ये हमारे डायरेक्टर साहब ने बनाई है, SCERT के डायरेक्टर हमारे बजाज साहब हैं, ये उनकी देन है हमें, ये उन्होंने बनाई है, और इसको हम 100 गोल पट्टी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे 100 गोल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए बच्चों? इसमें 100 गोल। तो ये 100, ये छोटा खाना है, 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर 100 गोले हैं और ये 100 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हमें 1 मीटर, ये हमारा 1 मीटर बन गया। यहाँ तक 1 मीटर की रस्सी हमारी तैयार है। अब इस 1 मीटर की रस्सी की सहायता से आप अपने कमरे के फर्श और अपने स्कूल के कमरे की लंबाई, अपने मेज की लंबाई, बोर्ड की लंबाई चौड़ाई, दरवाजों की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई को आप सबको माप सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी लंबाई ज़्यादा है और कौन सी लंबाई कम है। चलिए हम एक गतिविधि के माध्यम से करते हैं। देखिए मेरे पास एक ये क्या है, ये रैकेट, और एक ये कौन सा लंबा है बच्चों? आप देख लेता देंगे सर, ये लंबा है, इसको सेंटीमीटर में मापेंगे, इसको इसको मीटर में माप सकते हैं, आधा मीटर के करीब बनेगा ये। आपने वस्तुओं को, आसपास की वस्तुओं को मापना है, और मीटर स्केल आपके पास आ गया, 1 मीटर इतना होता है पता लग गया आपको। अगले क्लासों में आप मीटर से बड़ी बड़ी इकाइयों के बारे में जानेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं हम, ये देखो ये पेन और ये, इनमें कौन सा लंबा है? इनमें ये लंबा है ना। अब देखो ये एंट है हमारी सुंदर चींटी, और ये चींटी के दाने रखे हुए हैं, ये खाना चाहती है, तो कैसे करें? बहुत सारे रस्ते हैं, क्योंकि आप एंट को तो जानते ही हैं, एक एंट जहाँ चलती है उसके पीछे पीछे सारी एंट चलती हैं, एक एंट यहाँ से चल रही थी, सारी इसके पीछे पीछे यहाँ से होती हुई चल रही थी, फिर एक यहाँ से चल रही थी, एक रास्ता ये भी है। इस तरह से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बताइए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? पहले तो ये घूम के आया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो सीधा रास्ता है ना, ये कम से कम दूरी, ये सीधी लाइन बिल्कुल, अगर ये ऐसे भी जा सकती है, देखो गोल गोल घूम सकती है, ये गोल गोल चक्कर लगा सकती है, ये ऐसे भी लगा सकती है। सबसे जो कम रास्ता है वो ये, सबसे कम रास्ता ये है, सबसे कम रास्ता सीधा है बिल्कुल, ये देखो ये सीधा रास्ता बिल्कुल सबसे कम है, इसकी लंबाई सबसे कम है। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार से हम वस्तुओं को मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं। आप अपने आसपास की वस्तुओं को मापें, और अपनी नाक की लंबाई मापें, कलाई का घेरा मापें, हाथ की उंगलियों को मापें। आपकी किताब में जैसे कि दे रखा है, ये रस्ते वाले कंसेप्ट भी आपकी किताब में दे रखा है। अब आपको पता लग ही गया है कि 1 मीटर कितना होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 1 मीटर में? मैं बार बार बता रहा हूँ उसको, गतिविधि करें। अच्छा बताओ एक मेज की लंबाई क्या 1 मीटर ज़्यादा होगी 1 मीटर से कम? आप रस्सी की सहायता से माप कर देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि मेज की लंबाई 1 मीटर ज़्यादा है या कम। इस तरह मेज की चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई भी आप मीटर सेंटीमीटर में माप कर देख सकते हैं। बच्चों आपस में मीटर सेंटीमीटर, आप बच्चों की लंबाई माप कर देखें। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको मीटर सेंटीमीटर का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद।